सो गाइस अभी गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग गाइस। और आज जो स्टार्ट करी मैं एक नया ब्लॉग, अभी हम लोग घर से आए थे उन्नाव इनके दोस्त के घर पे, और अभी हमें जाना है इटावा अंकुश भैया के घर पे। तो मैं ब्लॉग नहीं बनाई थी, बस भाभी ने मुझे कहा कि क्यों नहीं बना रही, तुम्हें बनाना चाहिए का, चलो ठीक है ब्लॉग बनाते हैं। तो मैं चलिए अभी आपसे भाभी से मिलवाती हूँ। भाभी अभी बेचारी किचन में लगी हैं, सुबह सुबह ही काम वाम करी, रात में हम लोग आ गए थे, यहीं पर सोए थे। और भाभी यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट है, और आप लोगों में से किन किन स्टूडेंट का जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, और कोई भी गाइड चाहिए होगा तो भाभी बता देंगी आप लोगों को। तो मैं भाभी से मिला दूँ, अभी वो फ़िलहाल किचन में ही है। तो यहाँ पे हमारे लिए पानी आ रहा है। भाभी है जो कि जूनियर असिस्टेंट है। हाँ, 2017 बैच की हैं, सोलह पर ज्वाइनिंग 19 में हुई इनकी। तो अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे बताइए कमेंट करके, भाभी रिप्लाई करेंगी इस वीडियो पे। अभी का ये उन्नाव में बहुत ही बड़ा सा घर है, ये एक मतलब ऐसे गवर्नमेंट क्वार्टर नहीं है, बट उन्होंने तो ये भाभी का उन्नाव में बहुत ही बड़ा सा घर है। मैं आपको घर दिखा दूँ, एकदम ऐसे ना अपने वाली फीलिंग आ रही है। नहीं रहता कि हम लोग जॉब में हो के भी अपना इतना मैनेज किए रहती है कि भैया बस। हेलो पांडे, हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम पहुंच रहे हैं अंकुश भैया के घर इटावा। तो बहुत ही जल्दी जल्दी में सारा काम हुआ है, अभी तैयारी करना था, सारी पैकिंग वगैरह सब मैंने बहन के कपड़े वगैरह ले लिए हैं, और अब आगे आपको पता चलेगा हम लोग कब तक पहुंचेंगे, और पार्टी एंजॉय करके फिर ही घर आना है। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब जो भी ब्लॉग आएंगे वो सारे अंकुश भाई के बर्थडे, बाबू के बर्थडे की पार्टी के ही आएँगे, ध्रुव सक्सेना के। तो अब वहाँ पहुँचते हैं, बस हम आधे घंटे में पहुँचने वाले हैं। अलावा हम लोग पहुँच चुके हैं, और अभी अंकुश भैया से बात हुई, रुक जाइए, बड़ी आवाज़ आ रही है, अंकुश भैया से बात हुई है, तो उन्होंने बताया डायरेक्ट यहाँ से ऑटो मिल जाएगा। तो अभी हम लोग थोड़ा रुक के जाएंगे, देखते हैं थोड़ी शॉपिंग वगैरह भी कर लें, तो कर लें कोई मॉल दिख जाए अगर, तो उसके बाद में फिर चलते हैं भैया के घर। सो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं मॉल, सोच रहे हैं कुछ कपड़े वपड़े खरीद लें, देखते हैं यहाँ पे। वैसे यार यहाँ का मॉल अच्छा, वी मार्ट काफ़ी भरा भरा है। ध्रुव सक्सेना, सक्सेना मत लिखना, बस हैप्पी बर्थडे। ध्रुव DHV नीचे लिख दो, डैश करके ग्लोबल उसमें। हाँ, रश्मि तो बड़ा बड़ा लिखना चाहिए था। तो पहुँच चुके हैं रॉयल गैलेक्सी पैलेस, और अभी अंकुश भैया घर गए हुए हैं, इसलिए उन्होंने कहा मैं किसी को भेज रहा हूँ, बट हाँ हमें बताने के लिए कि कहाँ पे हमें जाना है। बट हम लोग चलते हैं रेस्टोरेंट पहले, वहाँ पे देखते हैं कोई मिल जाए हमें जान पहचान का। तो यहाँ पर भी फ़ोन चलाने में बिजी, इनका फ़ोन ही फेंक देंगे हम। अभी मुझे ज़्यादा सबके बारे में पता नहीं है, बस अंकुश भैया को जानती हूँ, और मुझे कोई यूट्यूबर यहाँ पे दिख भी नहीं रहे हैं कि कोई दिख जाए तो बातचीत हो जाए थोड़ी बहुत। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, बस ये कि उनके फंक्शन की तैयारियाँ नीचे चल रही हैं, खाना पीना लंच का, उसके बाद रात का डिनर का है, बाकी वो है नहीं। तो अभी हम लोगों को ये नहीं पता कि कितने टाइम तक वेट करना पड़ेगा, इसलिए मुझे थोड़ा ना वो लग रहा है कि यार जल्दी आएँ जल्दी आएँ। प्यास भी इतनी ज़्यादा लग रही है कि क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत प्यास लग रही है, इतनी दूर से आए हम लोग। यहाँ पे पार्क है,
नीचे पे इतना सही लग रहा है, यहाँ का व्यू भी बड़ा मस्त है और सामने स्विमिंग पूल में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, छोटी छोटी गिलहरियाँ भी मिल जाएंगी आपको। तो अंकुश भैया ने कहा है कि आप पार्क के पास बैठो, मैं अभी आता हूँ। मतलब डायरेक्ट जब डायरेक्ट लिंक को कॉपी करके डाउनलोड कर लेना, गूगल पे जाके। मुझे बहुत चाहती तो आज हमारे इन्होंने इटावा में कदम रखे, बड़ा सौभाग्य है आप लोगों को जो हमारे इटावा में आए, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों से मिलके। प्लीज आप हमारे लिए कुछ बोल दीजिए। तो भाई गाइस, इनका भी चैनल है यूट्यूब पे, मंजू की दुनिया और मंजू कुशवाहा, हाँ जी, नाम से। तो आप जाके सपोर्ट दिखाएं, ये वीडियो जिस पे देख रहे हो ना उसी को सब्सक्राइब कर दो आप, है ना। और इंस्टा भी होगा तो इंस्टा पे भी डालेंगे आप, है ना। मंजू कुश 21 के नाम से इंस्टा पे है, ठीक है। तो वहाँ भी फॉलो कर लेना, खूब सारा प्यार दे इनको। हमें भाई यकीन नहीं हो रहा कि हमें पता ही नहीं था भाई इटावा में भी हमें लोग देखते हैं, सच्ची में बहराइच तक देखते हैं आपको। बहुत अच्छा लगा, हम बहराइच से आए लखनऊ के पास से, लोगों से मिलने के लिए दिल्ली तक का गए कि हम आप लोगों से मिले आए, लेकिन हमें आप लोगों का एड्रेस नहीं मिला, इसलिए मैं वापस आ गई और मुझे मिला नहीं। लेकिन बड़े सौभाग्य है, हमारा भाग है जो आप लोग हमारे इटावा में, हमारा भाग है कि आप हमारे पास आए, बिल्कुल हमारा भी भाग है जो हम आप लोगों से मिले। इतने अच्छे, इतने प्यारे क्यूट बच्चे हैं, इसको तो मैं इतना प्यार करती हूँ मैं बता नहीं सकती। कि अब भाई आप सोच रहे हो कि मतलब झूठे, मैं दिल से सच में इनको सचिन मनीषा को मैं शुरू से प्यार करती हूँ, इनके एक भी वीडियो एक भी ब्लॉग में मिस्टेक नहीं करती हूँ, बराबर देखिए। प्यार दीजिए इनको, सपोर्ट दीजिए, थोड़ा आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पे मिथुन भाई जिद कर रहे हैं विजय भाई से मार्केट जाने के लिए। एक मिनट का बना लो दोबारा से आप, ठीक है। इस बार एक मिनट से छोटा ही बनाना, जल्दी बोलना। हाँ आप थोड़ा फास्ट बोलना, जो भी आप बोलना चाह रहे हो ना फास्ट। अभी ये पीने जा रहे हैं, वैसे नीचे जा रहे हैं। इसको भी देख लो, उसको आप ऐसे डाल देना, काट के डाल देना। मैं बता तो रही हूँ, मैं पढ़ाई की चीजें देखती हूँ ना, तो मैंने आपका देखा है। हाँ, बस मैंने वो पढ़ाई की वीडियोस रहती जा रही थी। देखा मैं, आप लखनऊ भी गए थे, धरने पे गए थे, उस सारी वीडियो आपकी देखी। धरने पे भी गई थी, ये धरने हम लोग का सुपर हिट की वैकेंसी नहीं आ रही थी, इसलिए जाना पड़ा। वैकेंसी नहीं आ रही थी जब आप गए थे। हां देखिए, तो बहुत पढ़ाई के मामले में तो ये बस किताब वही देखती है, तो सब देखती रहती है। आपकी सिस्टर भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, और आप दोनों सेम लगते हो। 2 लाख सब्सक्राइबर मेरे भी कम चलते हैं वीडियो, बट आप दोनों सेम लगते हैं, कभी-कभी मैं कंफ्यूज हो जाती हूं। हाँ, फिर मुझे यहाँ अंकुश भैया के आना था ना, इस वजह से हम घर आए। पंजाब में रहते हैं, वहाँ से यहाँ, पंजाब से यहाँ आए हो। मुझे ये था कि घर पे वो छोड़ देंगे, अपना चले जाएंगे वापस। हमें भी अच्छा लगा आपसे मिलकर, सच्ची में गाइस अच्छा लगता जब कुछ लोग हमसे मिलने आते, सब्सक्राइबर्स खास करके, और आके एकदम घर जैसा प्यार देते, तो बहुत अच्छा लगता सच्ची में। इनका भी चैनल है, कनिका इमोशनल हो गई है, मंजू कुशवाहा के नाम से और मंजू की दुनिया। दोनों चैनल पे आप सब्सक्राइब मारे और प्यार दे खूब सारा, इंस्टा पे भी प्यार दे, काजल आराम ये वीडियो साथ इंस्टा पे भी डलेगी, उस पे भी फॉलो कर ले आप लोग। हम जितने नहीं, मतलब हमारी और इनकी शादी 2018 में हुई है, और आपकी 2019 में हुई है ना, हमारी मार्च में हुई थी आपकी, हमारी मार्च में, कौन सी डेट, 14 तारीख, 8 मार्च आस पास की शादी हुई है। पर आपका बेटा 3 साल का है, 3 साल का, और मेरी बेटी अभी 11 महीने की है अभी हुई है। वही तो पढ़ाई वैकेंसी के चक्कर में हम लोगों ने सोचा चलो जॉब लग जाए पहले, पर जॉब नहीं लगी, वो ज्यादा जरूरी है, लेकिन वो भी लग जाएगा टेंशन में, बस अब पढ़ाई उसी में चल जाएगी, मेहनत करोगे तो फल मिलेगा। इसीलिए ना यूट्यूब नहीं कर पाते हैं, टाइम नहीं दे पाते। जब यूट्यूब चलाओ तो मन करेगा अरे पढ़ लो, जब पढ़ाई करो तो लगता चलो एक वीडियो ही डाल दो। हाँ बहुत दिक्कत होती है उस समय। और मिथुन भाई नितिन भाई गए, वो नहीं है, वो गए विजय भैया के साथ। और बोलिए कुछ, बस क्या बोले गाइस, अच्छा लग रहा है बातचीत करके, नए नए चेहरे दिख रहे हैं हमें यहाँ पे। मेरा भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड था हम कि हाँ चलो अंकुश भैया के यहाँ जाएंगे, सबसे मिलेंगे। मनीषा के लिए भी था पर वो आई नहीं। मनीषा कभी फिर आ जाएगी, क्या दिक्कत है, एक बार आते जाते रहते हैं। बीच में भी पहले आई थी ना, हाँ अभी बीच में आए थे, वो तो घर गए थे अंकुश भाई। आज मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ नीचे लंच के लिए, और अभी ये भी तैयार हो रहे हैं, अब हम लोग गेट लॉक कर देते हैं, फटाक से बंद कर देते हैं, पकड़िए चलते हैं नीचे। सरिता दीदी बहुत दिनों से सोच रहे थे आपसे मिलने को, और यहाँ पे हमें मिले हैं आकांक्षा जी के हस्बैंड, मुझे नाम नहीं याद है, क्या नाम है आपका, अनु बाबू, देखिए किशन
हेलो बोल दो। हेलो 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 ईशा, वो क्यूट हो। चलो नमस्ते भाई सभी लोगों। दी आपकी बेटी? मेरी बेटी मेरी जेठानी जी के पास है। अच्छा लाई नहीं हूँ आप? आई है दीदी, आई है। हाँ, इतने दूर कैसे छोड़ के आ गई? मेरा मन नहीं मान रहा। जेठानी जी के पास अंगो पुरानी पहचाने पहुंचा। ये किनारे ऐसे खड़े हुए क्योंकि इनको किसी भी यूट्यूबर के बारे में कुछ नहीं पता है। माची है।